गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल MM टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो नेक्स्ट पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोग गियर के कुछ टर्मोलॉजी के बारे में जाने थे, जो कि पावर ट्रांसमिशन का एक अहम टॉपिक था। गियर एक पावर ट्रांसमिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस पावर ट्रांसमिशन में, हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। आज गियर का लास्ट टॉपिक लास्ट है। हम लोगों ने गियर के टर्मोलॉजी के बारे में देख लिया, उसका कैसे फाइंड आउट करना है टर्मोलॉजी को वो भी देख लिया। आज हम लोग देखेंगे कि गियर किस धातु का बना होता है, गियर कितने प्रकार के होते हैं, गियर का प्रयोग कहाँ होता है, किस गियर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो सारी चीजें आज मेंशन करेंगे हम लोग, और आज आपका गियर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं यहाँ पे गियर। सबसे पहले गियर की बात कर रहे हैं तो देखेंगे गियर किस धातु की बनी होती है। तो गियर जो होता है आपका वो कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, माइल स्टील और प्लास्टिक्स की बनी होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कहेंगे प्लास्टिक्स का गियर बना रहता है, आप देख सकते हैं जैसे आपके घर में जो दीवार घड़ी होती है उसमें जो वो मशीन होता है छोटा सा जो कि घड़ी के कांटे को चलाता है, उसमें देखेंगे आप तो प्लास्टिक की घड़ी गियर होते हैं, जिसे गियर को हिंदी में लोग गरारी भी कहते हैं। गरारी उसमें कभी कभी कहते भी हैं, गांव के भाषा में बोले तो जैसे कोई सी घड़ी का मशीन खराब हो जाता है तो लोग कहते हैं गरारी खराब हो गया है, इसीलिए नहीं चल रहा है। सेम टू सेम वैसे ही आप बच्चों के खिलौने में देखेंगे तो आपको प्लास्टिक गियर मिल जाएंगे। ठीक है, तो गियर किसके किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के, कास्ट स्टील के, माइल स्टील का और प्लास्टिक के। जब मशीनरी इक्विपमेंट में किसी में देखेंगे तो हमें इस चीजों की गियर मिल सकती है, जबकि नॉर्मल कारों के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो प्लास्टिक का गियर प्रयोग किया जाता है, जैसे बच्चों के खिलौने, घर इत्यादि में पार्ट पुर्जे में किया जाता है। ठीक है, गियर आपका जो होता है वो बहुत सारे तरह के होते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गियर अकॉर्डिंग टू वर्क। ठीक, पहला होता है आपका स्पर गियर, SPAR, स्पर गियर। स्पर गियर ये क्या है, आप लोग अपने स्क्रीन के नीचे साइड में देख रहे होंगे एक स्पर गियर बना हुआ है। स्पर गियर जो होता है यह दो समानांतर शाफ्टों को पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, एक ये शाफ्ट हो गया, सपोज उदाहरण के तौर पे एक ये शाफ्ट और ये एक शाफ्ट, इसके आगे आपका गियर लगा दिया जाए की के माध्यम से फास्टनिंग करके, इसके आगे गियर लगा दिया जाए। जब दोनों गियरों को टच कराएंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। लेकिन कैसे घुमा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट और कैसा, पैरेलल ही। तो दो समानांतर शाफ्टों को चलाने के लिए स्पर गियर का प्रयोग किया जाता है। आप अपने साइड पे देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है उसमें देखिए, लेथ मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेथ मशीन में कैसे कर रहे हैं, दो समानांतर शाफ्टों को ये चला रहे हैं, उसमें दो समानांतर शाफ्टों को चलाया जा रहा है। ओके, इसमें जो होता है स्पर गियर में, इसका प्रेशर एंगल, स्पर गियर का प्रेशर एंगल 20 डिग्री होता है। क्या होता है, स्पर गियर का प्रेशर एंगल 20 डिग्री होता है। प्रेशर एंगल 20 डिग्री होता है। स्पर गियर का जो होता है प्रेशर एंगल वो कितना होता है जी, 20 डिग्री होता है। अब ये प्रेशर एंगल क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज आ रहा है कि प्रेशर एंगल क्या है। यहाँ पे देखेंगे अपने स्क्रीन पे साइड में देखिए, वहां पे जो आ रहा है एक फिगर उसमें दिखा रहा है, कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि जनरेट कहाँ से हो रहा है, प्रेशर एंगल जनरेट कहाँ होता है, वो हमें समझने के लिए हमें अपने स्क्रीन पे देखना होगा। एक फिगर है जिसमें देखिए, इसमें देख रहे होंगे आप कि लाइन ऑफ एक्शन जो है, ये लाइन ऑफ एक्शन जो इसमें दे रखा है वो लाइन ऑफ एक्शन वो जो होता है आपके लाइन ऑफ सेंटर को काट रही है।
लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ सेंटर को काट रहा है, और वो लाइन ऑफ सेंटर जिस पॉइंट पे कट रही है, लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ सेंटर जिस पॉइंट पे कट रहा है वो किस पॉइंट पे कटेगा, वो पिच पॉइंट पे कटता है। और हमने बता रखा है पिच क्या होता है, गियर के मैक्सिमम मोटाई के पास जहां होता है वहां पे पिच होता है, उसी के होते हुए जो सर्कल बनता है उसे पिच सर्कल कहते हैं, तो पिच पॉइंट उसे कहते हैं, उस पॉइंट को पिच पॉइंट कहते हैं। तो देखिए यहां से ये जो आया इधर से लाइन ऑफ एक्शन वाला लाइन, और यहाँ पे लाइन ऑफ सेंटर यानी कि गियर के सेंटर से एक लाइन लिया गया, ऊपर से लो या नीचे से, उन दोनों को जो कहाँ काटते हैं, पिच पॉइंट पे काट रहा है। तो वहां पे देखिए पिच पॉइंट के पास से एक एंगल जनरेट हो रहा है, उसी एंगल को कहते हैं प्रेशर एंगल। किसको प्रेशर एंगल किसको कहते हैं, वहीं पे जो एंगल जनरेट हो रहा है उसे ही प्रेशर एंगल कहते हैं। वो कितना होता है स्पर गियर में, 20 डिग्री होता है। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा होता है हेलिकल गियर। HELICAL हेलिकल गियर, GEAR गियर, हेलिकल गियर। हेलिकल गियर क्या है, इसका प्रयोग भी हेलिकल गियर इसका प्रयोग भी दो समानांतर शाफ्टों को चलाने के लिए किया जाता है। सिंपल एकदम बिल्कुल, इसका प्रयोग भी दो समानांतर शाफ्टों को चलाने के लिए किया जाता है। इसमें बस फर्क इतना है कि स्पर गियर के दांते स्ट्रेट थे, कैसे थे, स्ट्रेट स्ट्रेट थे, लेकिन इसके दांते जो होते हैं वो घुमावदार होते हैं। ठीक है, इसके दांते घुमावदार होते हैं, तिरछा होता है, तिरछा घुमावदार मतलब हेलिकल टाइप के होते हैं, तो इसीलिए इसे हेलिकल गियर कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे, वैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, ये उसमें भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए अस्पर गियर में जो होता है ऐसे दांते कटे रहते हैं सीधा सीधा। ठीक है, ये आपका अस्पर गियर हो गया, अस्पर गियर। सेम यहाँ पे आपका जो होता है ऐसे शाफ्ट लगा देगा इधर से, ये शाफ्ट लगा दिया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट एक और इसमें गियर कनेक्टेड कर दिया, तो यहां आप देख सकते हैं जो अस्पर गियर था उसमें क्या कर रहे थे, दो समानांतर शाफ्टों को चलाने के लिए कर रहे थे। ये समानांतर शाफ्ट है, जब ये एक दूसरे के इधर से ये चलता है तो ये क्या ऐसे घूमेगा, जब क्लॉकवाइज तो वो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा तो वो ऐसे घूमेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। तो अस्पर गियर में क्या होगा, दो समानांतर शाफ्टों को चलाने के लिए, तो वैसे ही हेलिकल गियर में ये दांते जो होते हैं, फर्क इतना होता है, हेलिकल गियर में भी समानांतर शाफ्टों को चलाते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है कि ये जो दांता है ये स्ट्रेट नहीं होकर के इसमें हेलिकल हो जाते हैं, मतलब कुछ तिरछा हो जाता है, घुमावदार ऐसे, देखिए मतलब 45 डिग्री के एंगल के आसपास इसके दांते हो जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, ये हेलिकल हो गया, कुछ घुमावदार नाते हो जाते हैं, तो वो हेलिकल गियर कहलाता है। ठीक, इसका प्रेशर एंगल
हेलिकल गियर का प्रेशर एंगल कितना होता है? 25 डिग्री से 45 डिग्री का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा होता है आपका हेरिंग बोन गियर या हाइपाइड गियर, उसे भी कहते हैं हेरिंग बोन गियर, HERRING, हेरिंग BONE, बोन GEAR गियर, हेरिंग बोन गियर। ये क्या है हेरिंग बोन गियर? क्या होता है, जैसे डबल हेलिकल गियर को जब हम डबल हेलिकल गियर को मिलाते हैं, अभी ये क्या सिंगल हेलिकल गियर है, वैसे ही अगर एक इधर से और एक इधर से अगर इसको सामने से देखा जाए तो ये अभी ऐसे था, ऐसे 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 कट के बन रहा है, नहीं देखिए तिरछा बन रहा है। अगर वही मैं इधर से भी एक गियर लगा दूं, ऐसे 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 सामने देखिए बन रहा है आपके स्किन पे, ये तो ये वाला जो होगा डबल हेलिकल गियर को ही हेरिंग बोन गियर कहते हैं, सीधा सीधा बोल सकते हैं डबल हेलिकल गियर को हेरिंग बोन गियर कहते हैं। और ये एंगल 45 डिग्री से लेकर 45 एंगल लेता है और इसका प्रेशर एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, PRESUR प्रेशर, ANGL एंगल 90 डिग्री होता है। तो जो हेरिंग बोन गियर होता है आपका उसका प्रेशर एंगल कितना होगा 90 डिग्री और वो दो हेलिकल गियर का मिलाकर के बनाया जाता है। अच्छा एक चीज, हेलिकल गियर में आपका जो होता है हेलिकल गियर में वो थ्रस्ट देता है इसमें बहुत ज्यादा, क्या होता है जैसे ही चलेगा तो एक साइड भागने की कोशिश करती है इसमें शाफ्ट, तो वहां पे उस थ्रस्ट को रोकने के लिए जिस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है उसे थ्रस्ट बेयरिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, हेलिक बोन गियर में क्या होता है इधर से भी हेलिकल हो गया और राइट साइड से भी हेलिकल और लेफ्ट साइड से भी हेलिकल, तो हेलिकल हेलिकल बीच में खत्म हो जाता है, यानी कि थ्रस्ट जो इधर से उत्पन्न हो रहा था उधर से भी उत्पन्न होगा और दोनों बीच में जाकर के जीरो हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे थ्रस्ट बेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इस गियर का प्रयोग सबसे अधिक हैवी लोड लेकर के चलने के लिए प्रयोग किया जाता है, अभी तक का सबसे हैवी लोड लेकर चलने वाला कोई गियर है तो वो आपका हेरिंग बोन गियर है, ठीक है, सबसे ज्यादा अधिक लोड लेकर चलने वाला और सबसे अधिक प्रयोग होने वाला ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। ऑटोमोबाइल बोले तो जो ये छोटे छोटे व्हीकल चलते हैं ना, व्हीकल्स चलते हैं आपके, ऑटो हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब में आपका हेरिंग बोन गियर का प्रयोग ही किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका बेवल गियर BEVEL गियर। ये है क्या बेवल गियर जो होता है आपका देखने में सेम टू सेम, ये देखिए ये बेवल गियर आपका, बेवल गियर पावर को 90 डिग्री के एंगल पर ट्रांसफर करता है। इसका प्रयोग दो शाफ्टों को 90 डिग्री के एंगल पे पावर को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। वो कैसे करते हैं पावर को ट्रांसफर 90 डिग्री के एंगल पर, मैं अभी दिखा रहा हूं। देखिए ये आपका एक गियर है जो कि बेवल गियर, एक इसमें शाफ्ट हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है, ये देखिए वर्टिकल ये है और ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर होता है, क्षैतिज आपका ये है, ऊर्ध्वाधर आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, ये कहता है कि पावर को 90 डिग्री के एंगल में ट्रांसफर कर रहा है, कैसे ये देखिए यहां से ये चला और इस पॉइंट तक गया और यहां से ऐसे हो गया, तो ये क्या होता है
ये 90 डिग्री तो है इसके रिफरेंस में, तो पावर को 90 डिग्री पर ट्रांसफर करने के लिए बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है। और आप देखते भी होंगे हैंड ड्रिल मशीन, यानी कि जो हैंड ड्रिल मशीन होती है या ब्रश ड्रिल मशीन होता है उसमें बेवल गियर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके दांते तिरछा और सीधा होता है। ये बहुत ज्यादा इस बार एलपी में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि बेवल गियर का टीथ जो होता है वो कैसा बना होता है, तो दांता इसका तिरछा और सीधा होता है। दो तरीके कटिंग होती है इसके दांते में, दांता तिरछा और सीधा होता है। बेवल गियर का प्रयोग 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका माइटर गियर, MITER GEAR, माइटर गियर। माइटर गियर क्या है, यहां देखेंगे एक बार कि जब दो गियरों को 45 डिग्री के एंगल पर कनेक्ट किया जाता है, ये आपको बेसिकली देखने के लिए मिल जाएगा कहां सिलाई मशीन वगैरह में ये लगता है, ये गियर बेवल गियर और उसमें हैंड ड्रिल मशीन में। माइटर गियर कैसा होता है, माइटर गियर आपका दोनों 45 डिग्री के एंगल पर लगेंगे। देखिए मतलब दो गियर को 45-45 डिग्री एंगल पे, सॉरी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइड में, वो क्या है दोनों दोनों गियरों को 45 डिग्री पे, देखिए माइटर गियर को एक दूसरे के 45 डिग्री पे ऐसे होगा, ये दोनों एक दूसरे 45-45 डिग्री पे जुड़ता है, लेकिन क्या ये एंगल कितना कंप्लीट कर रहा है, ये 90 का ही तो करेगा, एक इधर से 45 एक इधर से 45, लेकिन इसके रिफरेंस में देखा जाए तो ये कितने का 90 का, यानी कि पावर को 90 डिग्री में ट्रांसफर करता है। बेवल गियर के द्वारा भी पावर को 90 डिग्री में ट्रांसफर किया जाता है ले, और माइटर गियर के द्वारा भी पावर को 90 डिग्री में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन अंतर क्या है, इसके द्वारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो शाफ्टों को रखते हैं और इसके द्वारा दोनों शाफ्टों को इंक्लाइंड रखते हैं 45-45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड रखा जाता है। दो शाफ्टों को इंक्लाइंड रख करके 90 डिग्री पावर ट्रांसफर करने के लिए माइटर गियर का प्रयोग करेंगे, और दो शाफ्टों को हॉरिजेंटल और वर्टिकल रख करके पावर ट्रांसफर करने के लिए 90 डिग्री पे इसका बेवल गियर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका है छठा, सिक्स नंबर, वो होता है हाइपाइड गियर। हाइपाइड गियर HYPOID, हाइपाइड गियर। ये गियर कैसा होता है, यह गियर देखने में बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह होता है, उसका भी प्रयोग किसी भी पावर को 90 डिग्री के एंगल पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। हाइपाइड गियर का प्रयोग भी 90 डिग्री पे एंगल पे पावर को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। फर्क इतना होता है कि उसमें इसमें दांते कैसे थे, तिरछा और सीधा, उसमें घुमावदार और तिरछा होता है, उसमें तिरछा और घुमावदार यानी कि इंक्लाइंड और हेलिकल, इसमें इंक्लाइंड और स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो फर्क इतना ही है कि इसके दांते बेवल गियर के दांते स्ट्रेट और इंक्लाइंड होते हैं, जबकि हाइपाइड गियर के दांते इंक्लाइंड और हेलिकल होते हैं। ठीक है, और इन दोनों का काम पावर को 90 डिग्री ट्रांसफर करने है। तीन ऐसा गियर है जिसका प्रयोग पावर को 90 डिग्री ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। पहला बेवल गियर, ये बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है पावर को 90 डिग्री पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। दूसरा माइटर गियर का प्रयोग भी पावर को 90 डिग्री पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तीसरा हाइपाइड गियर का प्रयोग भी पावर को 90 डिग्री पे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। इसमें हल्के कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसके दांते जो होते हैं पहचान के लिए एक तिरछा और सीधा होता है बेवल का। माइटर जो होता है दोनों को इंक्लाइंड रखा जाता है, दो इंक्लाइंड गियरों को जोड़ करके 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसफर करने के लिए माइटर गियर का प्रयोग किया जाता है। हाइपाइड गियर का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है, और ये सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शाफ्ट प्रयोग किया जाता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि उसके दांते हेलिकल और इंक्लाइंड होते हैं। नेक्स्ट है आपका सातवां, रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन गियर क्या होता है, देखिए इसमें इसका प्रयोग किसी भी पावर को
रोटरी मोटर मोशन से लीनियर मोशन में परिवर्तित करने के लिए कहते हैं। वो कैसे रोटरी से लीनियर में चेंज करते हैं, यहाँ देखेंगे। ये देखिए आपका ये गियर हो गया, ठीक है, और ये आपका यहाँ ये रैक हो गया, देखिए अगर इस गियर को पिनियन को ऐसे घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा और ये एंटी क्लॉक वाइज चलाएंगे तो ये पीछे जाएगा, यानी कि आगे और पीछे। इसको क्या कर रहा है, जब रोटरी मोशन दे रहे हैं तो यहाँ ये लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसका प्रयोग आजकल बहुत ज्यादा किया जा रहा है, कहाँ पे, बड़ी बड़ी मशीनों को, मशीनों के बेस को, बेसमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है, स्लाइड कराने के लिए ऊपर नीचे। दूसरा कहाँ, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े गेटों को, जो मेन गेट होता है उसको खोलने के लिए, यहाँ मोटर लगा करके मोटर से पिनियन को कनेक्टेड कर दिया और यहाँ पर रैक को जो होता है गेट में वेल्डेड कर दिया और वेल्डेड रैक और पिनियन को एक दूसरे से मेश करा दिया। जैसे ही मोटर चलेगी ये रोटरी मोशन करेगा और तो गेट हमारा पीछे की तरफ खुलता हुआ चला जाएगा, कभी क्लॉक वाइज कभी एंटी क्लॉक वाइज। जब हमें बंद करना होगा एंटी क्लॉक वाइज चलाएंगे, जब खोलना होगा तो क्लॉक वाइज चलाएंगे। इसका प्रयोग रैक एंड पिनियन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज चलाने के लिए, कैसे, रोटरी और सॉरी लीनियर मोशन से रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए और रोटरी मोशन से लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए रैक एंड पिनियन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, WORM, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, WORM वॉर्म व्हील, WHEEL, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील क्या होता है ये इसका प्रयोग गियर में पावर के रेशियो को चेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कम फोर्स लगा करके ज्यादा से ज्यादा स्पीड दूसरी जगह प्राप्त कर सके, यानी कि सॉरी कम फोर्स लगा करके कम इफर्ट डाल करके ज्यादा से ज्यादा इफर्ट डाल सके उधर, मतलब किसी दूसरे चीजों पे। तो इस पॉइंट पे अगर हम कम इफर्ट डाल रहे हैं तो वहां पे ज्यादा इफर्ट पड़ेगा, इसका प्रयोग इसलिए करते हैं। जैसे कि इसका अनुपात जो होता है, इसका रेशियो 500:1 का होता है, यानी कि अगर वॉर्म को 500 बार घुमाया जाए तो उसकी व्हील जो सॉरी व्हील को 500 बार घुमाया जाए तो इसका वॉर्म कितने बार घूमेगा, एक बार घूमेगा, क्लियर। 500 बार व्हील को घुमाई जाए तो वॉर्म कितनी बार घूमेगा, एक बार। इसी को उल्टा कर लो तो वॉर्म अगर 500 बार घुमाई जाती है तो व्हील कितनी बार घूमेगी, एक बार, ठीक है। और इसका प्रयोग बटरफ्लाई वाल्व में अधिकांशतः किया जाता है, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वहां पे बड़े बड़े डैमों में बड़े बड़े पाइपों में बटरफ्लाई वाल्व लगे रहते हैं, जिसको ओपन और क्लोज करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर, पानी का प्रेशर रहता है एक तो, और एक बड़ी सी रहती है, तो उसको खोलने के लिए यहाँ पे हम इसी का यूज करते हैं। हम जितना ही यहाँ मूवमेंट कम देते हैं वहां मूवमेंट उसको ज्यादा मिलता है, तो उसके द्वारा फिर एक और गियर मेश रहता है और वो उसके द्वारा कनेक्ट होकर के चलता है। ये आप जब देखोगे तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, आपका ऐसे करके गियर का टॉपिक खत्म हो जाता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।